आज की कहानी का शीर्षक है देवरानी और जेठानी। एक समय की बात है, किसी एक परिवार में एक देवरानी और जेठानी के बीच बहुत प्यार था। वो हमेशा एक दूसरे का साथ देती और एक दूसरे को मदद करती। लेकिन एक दिन देवरानी और जेठानी के बीच किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया और झगड़े की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात ना करने की और मुंह तक ना देखने की कसम खा ली और दोनों अपने अपने कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट आवाज हुई। तभी अंदर से जेठानी ऊंची आवाज से बोली, कौन है? तभी बाहर से आवाज आई कि दीदी मैं हूँ। तभी जेठानी ने अपना दरवाज़ा ज़ोर से खोला और देवरानी को सामने देखते हुए बोली, अभी तो बड़ी बड़ी कसमें खा कर गई थी कि कभी बात नहीं करेंगे, एक दूसरे का कभी मुंह नहीं देखेंगे, तो अब यहाँ क्यों आई हो? तभी देवरानी ने कहा कि दीदी मैं कसम खा कर तो गई थी कि हम बात नहीं करेंगे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे माँ की कही एक बात याद आ गई कि जब भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, और मैंने भी वही किया, जिससे मुझे आपका दिया हुआ प्यार याद आया, जिसकी वजह से अब मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है और मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। तभी जेठानी की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे के गले लग गए और बाद में दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बल्कि क्रोध को प्यार से जीता जा सकता है। जिस प्रकार आग आग से नहीं बुझती बल्कि पानी से बुझती है, उसी प्रकार हमारे रिश्ते में भी क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज एक नई कहानी सुनने को मिलेगी।